ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम ज्योतिष में चर्चा करेंगे चंद्र शुक्र और शनि की युति। जब इन तीन ग्रहों की युति जन्मपत्री में किसी भाव में होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में प्रत्येक भाव के अनुसार भी इस युति का वीडियो बनाया जाएगा। आज हम 12 भावों के ऊपर भी विचार करेंगे और इस युति का क्या प्रभाव होता है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चंद्र शुक्र शनि यदि जन्मपत्री में अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो और इसी प्रकार नवांश में भी हों तो जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और केंद्र त्रिकोण में इस प्रकार होने पर शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। शुभ प्रभाव में ऐसे जातक बहुत सुंदर होते हैं, धर्म ग्रंथों की जानकारी रखने वाले होते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले होते हैं। पुस्तकों से ऐसे जातकों को विशेष प्रेम होता है, पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और राजपुरोहित हो सकते हैं और बड़े अच्छे लेखक होते हैं, लिखने वाले होते हैं, कुशल लेखक होते हैं और ऐसे जातक नेक चाल चलन के भी होते हैं। बड़े अच्छे कुल से ऐसे जातक संबंध रखते हैं और कोई लिपिकर्ता ऐसे जातक हो सकते हैं, अध्यापक भी हो सकते हैं, कोई प्रवक्ता हो सकते हैं, प्रवचन करने वाले हो सकते हैं और धार्मिक स्वभाव के ऐसे जातक होते हैं। ऐसे जातक माना जाता है कि चंद्र शुक्र शनि की युति वाले जातक अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में सुख प्राप्त करते हैं, इस जन्म में सुखी रहते हैं और ज्ञानदायक पुस्तकों को पढ़ने वाले होते हैं और धन कमाने में लगे हुए होते हैं, धन की इच्छा वाले होते हैं और ऐसे जातक धर्म कर्म को भी करने वाले होते हैं। बड़े अच्छे व्यवसायी होते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन ऐसे जातक हो सकते हैं और ऐसे जातकों का विवाह थोड़े विलंब से हो सकता है और भोग विलास की प्राप्ति की इच्छा वाले ऐसे जातक होते हैं। सजने सवरने का इनको शौक होता है, सजने सवरने के शौकीन होते हैं और वस्त्रों के व्यापार से भी ऐसे जातक बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। अशुभ योग में हम चर्चा करते हैं, अशुभ योग होने पर जातक के लिए मंदा होगा। जातक अपनी हिम्मत व मेहनत से अपना भाग्य व भविष्य बनाने वाला होता है और इस युति के होने पर दिखावे का धन कहा गया है। मंदा प्रभाव होने पर इस युति को दिखावे का धन कहा गया है, अर्थात जातक देखने में बहुत धनी लगता है, वेशभूषा से जातक बड़ा धनी लगता है पर उसके पास धन नहीं होता। और चंद्र शुक्र शनि की युति वाले जातक जल्दी ही वश में हो जाते हैं, जल्दी ही कहना मान लेते हैं। चंद्र या शनि से कोई एक ग्रह बलि हो रहा हो, चंद्र और शनि में कोई एक ग्रह बलि हो रहा हो अपनी राशि में होकर उच्च राशि में हो तो जातक व जातक के जीवन साथी की उम्र के मध्य में काफी अंतर हो सकता है और ऐसे जातक किसी विधवा से विवाह कर सकते हैं और इसी प्रकार स्त्रियां और जा किसी तलाकशुदा से भी जातक का विवाह हो सकता है। मंदे प्रभाव होने पर जातक का अपनी माता से साथ मनमुटाव रह सकता है और सास बहू के मध्य में भी मनमुटाव हो सकता है, सास बहू के मध्य में भी कलह रह सकता है। यदि जन्मपत्री में तीनों ग्रह चंद्र शुक्र और शनि
कुंभ राशि के नवांश में हो तो ऐसे में जातक को अंडकोश से संबंधित सूजन का रोग हो सकता है और कुंभ लग्न के जातक की पत्नी को कष्ट होता है। यदि किसी की जन्मपत्री में कुंभ लग्न है और चंद्र शुक्र शनि की युति किसी भी भाव में बन रही है तो ऐसे में जातक की पत्नी को कष्ट होता है, वह दुखी रह सकती है, रोग ग्रस्त रह सकती है और या फिर जातक जो है अपनी पत्नी से कष्ट पा सकता है। और चंद्र शुक्र शनि की युति जन्मपत्री में होने पर यदि धनु लग्न में यह युति हो तो ऐसे में जातक लड़ाई झगड़ों में मारे जाते हैं या लड़ाई झगड़ों में कष्ट पाते हैं। कर्क लग्न में यह युति होने पर जातक को वाहन दुर्घटना से कष्ट होता है, किसी वाहन से चोट लगने की संभावना होती है, कोई वाहन से एक्सीडेंट होने की संभावना इसमें रहती है। और यदि जन्मपत्री में इस युति से चंद्र शुक्र शनि की युति से सप्तम भाव में मंगल हो तो ऐसे में संतान सुख नहीं होता और गृहस्थ सुख जातक को प्राप्त नहीं होता। और यदि कुंडली में गुरु शनि की युति हो तो ऐसे में जातक के पैरों में कोई विकार हो सकता है, जातक चलने में परेशानी अनुभव कर सकता है। और यदि जन्मपत्री में अष्टमेश आठवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में हो तथा लग्न में सूर्य और राहु की युति हो तो ऐसे में किसी स्त्री के शाप से जातक को संतानहीनता होती है, किसी स्त्री की बद्दुआ से जातक को संतान नहीं होती। और मिथुन लग्न में यदि चंद्र शुक्र शनि मंगल से दृष्ट हो तो ऐसे में दत्तक पुत्र का योग बनता है। और उसके बाद आगे चर्चा करते हैं, यदि जन्मपत्री में भाव पांच और भाव आठ में पाप ग्रह बैठे हों तो ऐसे में जातक को मानसिक रोग हो सकते हैं, कोई मिर्गी आदि का रोग जातक को हो सकता है। यदि जन्मपत्री में चंद्र कर्क वृश्चिक और कुंभ नवांश में हो तो ऐसे में जातक को गुप्त रोग हो सकते हैं, शुगर आदि की समस्या हो सकती है, डायबिटीज आदि के रोग हो सकते हैं, इस तरह की समस्या हो सकती है और पेट में वायु गोला रोग हो सकता है जिसे गुल्म रोग कहते हैं और कोई अन्य दुर्लभ रोग भी जातक को हो सकता है। यदि चंद्रमा जन्मपत्री में कर्क नवांश में हो, वृश्चिक नवांश में हो या फिर कुंभ राशि के नवांश में हो तो आइए आगे चर्चा करते हैं। भाव एक में चंद्र शुक्र शनि की युति होने पर जातक बड़े धनवान होते हैं और लोगों के प्रति बड़ा स्नेह और प्यार रखने वाले होते हैं, सबके ऊपर दया करने वाले होते हैं और बहुत से व्यवसायों से ऐसे जातक धन कमाने वाले होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं और यहाँ पर प्रेम विवाह की संभावना भी रहती है। उसके बाद भाव दो में चंद्र शुक्र और शनि की युति होने पर जातक के एक से अधिक विवाह हो सकते हैं, गृहस्थ सुख में कमी हो सकती है और पाप प्रभाव में होने पर यह युति से जातक को नेत्र रोग हो सकते हैं और जातक नेत्रहीन भी हो सकता है। और भाव दो में चंद्र शुक्र शनि की युति होने पर संतानहीनता का भी योग बनता है, उपाय के लिए गाय की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद भाव तीन में चंद्र शुक्र और शनि की युति होने पर जातक को अग्नि से संबंधित कार्यों में लाभ होता है, जिस कार्य में अग्नि का उपयोग होता हो ऐसा कोई बिजनेस व्यवसाय यदि जातक करता है तो उससे जातक को बहुत फायदा होता है। सोने के काम से भी ऐसे जातक लाभ प्राप्त करते हैं, बेकरी आदि के काम से भी जातक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे जातक अपने शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं, समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त करते हैं और समाज में बड़े ही प्रभावशाली व्यक्ति ऐसे जातक हो सकते हैं। उसके बाद भाव चार में चंद्र शुक्र और शनि की युति होने पर जातक बड़े धैर्यवान होते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हो सकते हैं और बंधुओं द्वारा ऐसे जातक प्रशंसित होते हैं, बंधु बांधव जो हैं उसकी प्रशंसा करते हैं और ऐसे जातक सरकार से भी बहुत लाभ प्राप्त करते हैं
और यहाँ पे दो विवाह भी जातक के संभव हैं और यहाँ संतानहीनता का भी योग बनता है। और चतुर्थ भाव में चंद्र शुक्र शनि की युति होने पर शास्त्रों में एक योग बताया गया है, 120 वर्ष की आयु का योग। तो वो कैसे बनता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जब चंद्र शुक्र शनि की युति चतुर्थ भाव में हो, मीन राशि में यह युति चतुर्थ भाव में हो तथा लग्न स्पष्ट जो है 15 अंश के बाद हो, और लग्न में धनु लग्न में गुरु विराजमान हो जो 15 अंश से पहले बैठे हों, तो ऐसे में जातक 120 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। अर्थात चतुर्थ भाव में चंद्र शुक्र और शनि की युति मीन राशि में हो और जो लग्न स्पष्ट है वो 15 अंश के बाद हो, और लग्न में धनु राशि में गुरु बैठा हो जो 15 अंश से पहले बैठा हो, तो ऐसे में जातक दीर्घायु प्राप्त करते हैं, 120 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। चतुर्थ भाव में अगर इसका कोई मंदा प्रभाव होता हो तो जातक को दूध का दान करना चाहिए, और कुएं में दूध डालने से ऐसे जातकों को शुभ फल प्राप्त होते हैं। उसके बाद चंद्र शुक्र शनि की युति यदि कुंडली के पंचम भाव में हो तो ऐसे जातक बड़े गुणग्राही होते हैं, गुणों की कदर करने वाले होते हैं, विद्वान लोगों का आदर सत्कार करने वाले होते हैं, राग द्वेष से रहित होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े स्वाभिमानी होते हैं, धार्मिक होते हैं और पुराण आदि की धार्मिक कथाओं को सुनने वाले होते हैं, पुराणों की कथाओं को सुनने वाले होते हैं, धार्मिक कथाओं को सुनने वाले होते हैं। मेष राशि में चंद्र शुक्र शनि की युति पंचम भाव में हो और गुरु अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे में प्रेत शाप से संतानहीनता का योग बनता है। उसके बाद भाव 6 के ऊपर हम विचार करेंगे। चंद्र शुक्र शनि की युति कुंडली में भाव 6 में शत्रु स्थान में हो तो ऐसे में अच्छा नहीं समझा जाता, जातक को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं, गृहस्थ सुख में कमी होती है, विद्या प्राप्ति में विघ्न होते हैं और परिश्रम वाले कार्य जातक को करने पड़ते हैं, और ऐसे जातक बड़े कठोर कार्य करने वाले होते हैं जिनको सुनकर भी डर लगता है, और ऐसे जातकों को मानसिक पीड़ा भी रह सकती है। और उसके बाद भाव 7 में सप्तम भाव में चंद्र शुक्र शनि की युति होने पर ऐसे जातक काम क्रीड़ा में बहुत निपुण होते हैं, बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बड़े धनवान होते हैं, और नेत्र रोग की संभावना ऐसे जातकों को होती है, और यहाँ सप्तम भाव में भी जातक के संतानहीनता का योग बनता है। इसके बाद भाव 8 में चंद्र शुक्र शनि की युति होने पर जातक रोग आदि से कष्ट पाने वाला होता है, माता पिता को कष्ट की संभावना रहती है, नेत्र रोग हो सकते हैं, कोई मानसिक पीड़ा हो सकती है, धनहीनता होती है। जो ग्रह यहाँ पर अष्टम भाव में निर्बल हो उसकी दशा पर्यंत जातक की आयु हो सकती है। इसके बाद भाव 9 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चंद्र शुक्र शनि की युति कुंडली के भाव 9 में होने पर जातक को भूमि से लाभ होता है, कृषि कार्यों से जातक लाभ प्राप्त करते हैं, जीवन साथी से ऐसे जातक बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, बड़े पुण्यात्मा होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं, समाज में प्रसिद्ध होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और बड़े अभिमानी भी ऐसे जातक होते हैं। उसके बाद भाव 10 में चंद्र शुक्र शनि की युति होने पर ऐसे जातक बड़े धनी परिवार से होते हैं, और ऐसे जातक प्रेम विवाह कर सकते हैं, भाग कर विवाह कर सकते हैं, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर भागकर ऐसे जातक विवाह कर सकते हैं, बड़े धनी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, और कोई अच्छे व्यवसायी होते हैं, कोई अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, उच्च पद की प्राप्ति ऐसे जातक करते हैं, बड़े विद्यावान होते हैं, विनीत स्वभाव के होते हैं और अच्छे लोगों का संग करने वाले होते हैं और नीति से चलने वाले होते हैं,
और सरकार द्वारा जातक विशेष मान सम्मान प्राप्त करते हैं। इसके बाद भाव 11 में चंद्र शुक्र और शनि की युति होने पर जातक बहुत धनी होते हैं और बहुत से व्यवसायों से जातक लाभ प्राप्त करते हैं और सदा खुश रहने वाले होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, मिलनसार स्वभाव के होते हैं। उसके बाद 12वें भाव में चंद्र शुक्र शनि की युति होने पर जातक में हीन भावना रह सकती है और हीन कार्यों को करने वाले होते हैं, सांसारिक सुखों से हीन होते हैं और गुण रहित होते हैं। इसके बाद चंद्र शुक्र शनि की युति जन्म पत्री में होने पर कौन से उपाय करने चाहिए, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। यदि कुंडली में शुक्र मंदा हो रहा हो तो बुध को कायम करना चाहिए और यदि चंद्रमा मंदा हो रहा हो तो मंगल को कायम करना चाहिए। चंद्र शुक्र और शनि का जप करवाना चाहिए, चांदी का उपयोग करना चाहिए और विवाह के बाद स्त्री यदि विवाह में प्राप्त सोना पहनती है तो भी इसका बहुत शुभ प्रभाव रहता है। अर्थात यदि जातक की कुंडली में या किसी स्त्री की कुंडली में यह योग हो तो विवाह में जो सोना आभूषण मिलते हैं उसको जीवन भर कभी कभी पहनते रहना चाहिए, उससे भी इस युति का मंदा प्रभाव जीवन के ऊपर नहीं होता। और विवाह के समय 2 सोने के टुकड़े लेने चाहिए, 1 सोने का टुकड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए, 1 टुकड़ा स्त्री जो है पत्नी जो है स्त्री जातक जो है जीवन भर अपने पास संभाल के रखे। और उसके बाद एक और योग है, इसमें वृश्चिक राशि में युति होने पर जातक बहुत क्रोधी हो सकते हैं और माता के सुख से हीन होते हैं, माता को कष्ट होता है। और धनु मकर लग्न की कुंडली में यह युति होने पर जातक निशांत होते हैं, रात्रि को अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता। यदि आपकी कुंडली में भी चंद्र शुक्र शनि की युति हो रही है तो अपने विचार अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।